शिव हनुमान दुर्गा भक्त सेवा समिति शांतिनगर द्वारा दशहरा मैदान शांतिनगर में द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान पशुपतिनाथ दर्शन, महारुद्राभिषेक एवं मानस प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। 31 जुलाई से आरंभ कार्यक्रमों का समापन 5 अगस्त को रुद्र निर्माण एवं रुद्राभिषेक के साथ होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री शिव हनुमान दुर्गा भक्त सेवा समिति शांति नगर द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन 31 जुलाई से किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। 31 जुलाई को जल कलश शोभा यात्रा एवं मंडल निर्माण के पश्चात 1 अगस्त से 5 अगस्त तक रुद्र निर्माण एवं रुद्राभिषेक का आयोजन शांति नगर दशहरा मैदान में किया जाएगा। शोभा यात्रा मूर्ति विसर्जन 6 अगस्त को आयोजित की जाएगी। सभी धार्मिक आयोजन इंदौर के प्रधान आचार्य पंडित राजेश्वरानंद शास्त्री के मार्गदर्शन में संपन्न होंगे। आयोजन की जानकारी शांति नगर के पार्षद अभिषेक मिश्रा ने दी। शांति नगर की पावन भूमि में लगातार कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। उसी प्रकार इस बार भी शांति नगर में 31 तारीख को सबसे पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा निकालने के पश्चात 1 तारीख से सबसे पहले सुबह 7 बजे हम रुद्री निर्माण करेंगे। रुद्री निर्माण में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाने के उपरांत उसकी पूजा करके फिर उसका रुद्राभिषेक किया जाएगा। रुद्राभिषेक करने के पश्चात आरती की जाएगी। ये करते करते हमने इसका समय रखा है 2 बजे तक। फिर 1 घंटे बाद 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रामचरितमानस का पाठ चलेगा। इसमें कहाँ के आचार्य जी आ रहे हैं? इसमें सोहागपुर मध्य प्रदेश के पंडित श्री मनमोहन जी महाराज आ रहे हैं। वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, पहले भी ये कार्यक्रम शांतिनगर की पावन भूमि में हुआ है। बहरहाल आयोजन समिति ने शहर के सभी भक्त जनों से धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अपील की है। मानस प्रवचन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।